भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में रेपो दर में कहीं बदलाव नहीं किया। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा था कि आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट में कटौती कर सकती है ताकि होम लोन, कार लोन सहित अन्य लोग की ईएमआई सस्ती हो सके, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरबीआई के मुताबिक रेपो दर 5.15% पर बरकरार रहेगी। 3 दिसंबर को मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई थी और 5 दिसंबर को रेपो रेट की घोषणा हुई। केंद्रीय बैंक खुदरा महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रमुख नीतिगत दरों पर फैसला लेता है। इस साल रेपो दर में कुल 1.35% की कटौती की गई है। 9 साल में पहली बार रेपो रेट इतना कम है। मार्च 2010 के बाद ये रेपो रेट का सबसे निचला स्तर है। रिवर्स रेपो रेट 4.90% है। बैंक रेट 5.40% पर है। 2019 में 6 बार की बैठक में कुल 1.35% की कटौती की जा चुकी है। बावजूद इसके अर्थव्यवस्था को गति मिलना तो दूर लगातार गिरावट दिख रही है। रेपो रेट के अतिरिक्त आरबीआई ने जीडीपी का अनुमान जताया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार साल 2019-20 के दौरान जीडीपी में और गिरावट आएगी और ये 6.1% से गिरकर 5% पर आ सकती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।